वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंसिक्वेंटली थर्ड लेक्चर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और अब तक हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर इज वेरी क्लोज टू कंप्लीशन, क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिसाइड करके आए हैं वो है बच्चों ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब तक हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी हिस्टोलॉजी, टेस्टिस, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो टू आवर जो हमारा YouTube चैनल है उस पर जाइए, और प्लीज जो प्रीवियस दो तीन वीडियो जो है वो प्लीज देखिए, सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विथ अस विद दिस थर्ड लेक्चर। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट एवरी अपडेट आपको समय पर मिल जाए। कम टू द पॉइंट, तो हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट और एक छोटा सा स्माइल उसके साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, स्माइल इज ऑलरेडी देयर ऑन योर फेस और पॉजिटिव थॉट मैं भी बता रहा हूँ। तो बच्चों, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीडेड, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीडेड व्हेन योर एफर्ट्स आर ग्रेटर देन योर एक्सक्यूजेस। आप हमेशा हमेशा, सी आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम, अगर 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 आपके एफर्ट्स हर बार आपके एक्सक्यूजेस से बड़े होंगे तो आप डेफिनेटली आपकी जो भी सक्सेस है, आपकी जो भी डेस्टिनेशन है, वहां तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट कम टू द पॉइंट, टुडेस टॉपिक इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चे, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंपैरेटिवली इजी टॉपिक था, वहां पे लिस्ट कर दिए टॉपिक्स और हर ऑर्गन को, हर टॉपिक को हमने इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्यों है तो आप जानेंगे वेरी सून। बच्चों, यहाँ पे देखिए, जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमें उसे दो अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ना है, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है इंटरनल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट आज हम कोशिश करेंगे ये वीडियो के जरिए पूरा करने का। तो बच्चों, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, दैट इज द विजिबल एंड you can say the part of the female reproductive system that directly take part in process of copulation or the process of intercourse, sexual intercourse, the process through which the male gametes are delivered into the female reproductive system is the sexual intercourse या coitus। तो बच्चों, come to the point, ये external genitalia में हमें जितने भी organs देखने हैं, मैंने यहाँ पे already enlist करके रखे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी पार्ट, आपके पास NCERT की टेक्सटबुक है 12th स्टैंडर्ड की, तो एक काम कीजिए, मैं आपको पेज नंबर 45 दिखा देता हूँ। इफ यू हैव दिस डायग्राम, ठीक से देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लोज इनफ दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये डायग्राम आप सामने रखोगे, इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड यू दिस पार्ट। और यही मैं हर बार बताता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं तो प्लीज डू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो बच्चों, ये डायग्राम पेज नंबर है 45, डायग्राम प्लीज आपके पास, आपके सामने रखिए और डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, व्हाट आर दी ऑर्गन्स इन एक्सटर्नल व्हिच आर रिगार्डेड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एनलिस्ट कर चुका हूँ। तो सबसे पहला ऑर्गन है लेबिया मेजोरा। व्हाट इज द लेबिया मेजोरा? सी, अगर आप डायग्राम देखोगे बच्चों, तो डायग्राम में इट इज लैटरल सेक्शन थ्रू द प्यूबिस। तो ये डायग्राम में सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इज फ्लेशी लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द लैटरल बॉर्डर या आउटर बॉर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये लेबिया मेजोरा जो होते हैं, हाँ, आपको जो बात ये ऑर्गन के बारे में याद रखनी है वो कौन सी है? तो लेबिया मेजोरा, they are made up of, वहाँ पे स्किन का कुछ पार्ट होता है, उसके बाद सम फाइब्रस टिश्यू होती है, और सबसे जरूरी बात वहाँ पर होती है एडिपोज टिश्यू। तो हाँ, अगर ये एनाटॉमिकली हम कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्क्रॉटम होता है उससे होमोलोगस होता है। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ चुके होगे तो वेरी सून हमारे कुछ ऐसे भी लेक्चर्स होंगे जहां पर हम वो क्लियर कर देंगे, लेकिन राइट नाउ आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू होमोलोगस एंड एनालोगस। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो लेबिया मेजोरा होती है, दैट इज होमोलोगस टू ह्यूमन मेल स्क्रॉटम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्क्रॉटम होता है, स्किन का फॉर्म भी वही होता है, उसका फंक्शन भी वही होता है, और अपियरेंस भी वैसा ही होता है। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा है बच्चों वो है लेबिया माइनोरा। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो
लिबिया माइनोरा आर हिडन इनसाइड द लिबिया मेजोरा। और लिबिया माइनोरा के बारे में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी पता होनी चाहिए एनाटॉमिकली, तो वो मैं पहले बता देता हूँ। तो जो लिबिया माइनोरा होती है, दिस आर आल्सो फ्लेशी बट कंपेरेटिवली थिनर लिप लाइक स्ट्रक्चर्स। और वो जो वेस्टिब्यूल होता है, जो हमें पूरा ये देखना है स्ट्रक्चर होता है वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल का पूरा जो बॉर्डर होता है लैटरल बॉर्डर, वो फॉर्म करता है लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा जो होते हैं वो लिबिया माइनोरा, अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो कंपेरेटिवली आई कैन शो यू, उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पूछे जाते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी जो एंटेरियर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और पोस्टेरियर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उनको स्पेशली कुछ नाम दिए जाते हैं। तो जो एंटेरियर ये होता है मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों लेबिया मेजोरा मीट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरसेक्ट होते हैं। एट दैट पॉइंट देयर इज द क्लाइटोरिस, देयर इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, वेरी सून विल स्टडी अबाउट इट। और जो नीचे वाला बॉर्डर होता है वो जो पोस्टेरियर बॉर्डर, विच इज वेरी क्लोज टू द एनस, एनल ओपनिंग, तो ये जो होता है इसे कहा जाता है कुछ फॉर्चिट, फॉर्चिट। तो इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस कि लेबिया माइनोरा जो वेस्टिब्यूल होता है उसका उसका पूरा बॉर्डर फॉर्म कर देता है, और इसका एंटीरियर मीटिंग पॉइंट जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां पे होता है क्लाइटोरिस। और जो नीचे वाला पॉइंट होता है समवॉट सर्कुलर सी शेप्ड स्ट्रक्चर इज देयर, तो क्लियर कट ऐसा मीटिंग पॉइंट तो है जिसे हम कहते हैं फॉर्चिट। तो लेबिया माइनोरा के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड पार्ट के पार्ट। बच्चों ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस, अगर आप डायग्राम में देखोगे, आई कैन शो यू, प्लीज लुक एट हियर। तो ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज नथिंग बट, हाँ ये डायग्राम में आपको एक एक चीज और देखनी है, ये जो येलो कलर का जो आपको शेडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दिस पार्ट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सो मच क्वांटिटी ऑफ एडिपोस टिश्यू या ह्यूमन फैट जो होता है ना, वो जहाँ पे होता है वैसे स्ट्रक्चर है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है, मॉन्स प्यूबिस इज यू कैन से इट इज एलिवेटेड स्ट्रक्चर अबाउ दी लेबिया मेजोरा। क्या फंक्शन होता है इसका, इट इज बेसिकली यू कैन से इट इज बेसिकली जिसका उसका कंटेंट जो होता है वो होता है एडिपोज टिश्यूज में बहुत सारे फैट्स होते हैं। और हाँ सबसे जरूरी बात, ये एनाटॉमिकली जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, हाँ आप ह्यूमन स्केलेटन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं आपको याद है तो प्लीज गो देयर और थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस, विच इज रिच विथ ह्यूमन फैट्स या एडिपोज टिश्यू। तो हाँ ये जो मॉन्स प्यूबिस है, ये मॉन्स प्यूबिस इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय स्किन एंड इट इज रिच विथ हेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्यूबिक हेयर्स। कम टू द पॉइंट, जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है बच्चों क्लाइटोरिस। तो अबाउट द क्लाइटोरिस, जैसे मैंने इसके बारे में कहा था, लेबिया मेजोरा के बारे में कहा था, इट इज होमोलोगस टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्क्रॉटम होता है उसकी स्किन से वो होमोलोगस होता है, वैसे ही ये जो क्लाइटोरिस होता है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा ऑर्गन है जो फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस एक होमोलोगस होता है। मैं होमोलोगस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोथ आर इरेक्टाइल ऑर्गन्स, दोनों इरेक्टाइल ऑर्गन होते हैं, दोनों का जो टिप होता है वो सेंसिटिव होता है, दे आर रिचली सप्लाइड विद द नर्व्स एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल अरोजल, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है या जो भी कुछ एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज इरेक्टाइल ऑर्गन्स। तो ये जो क्लाइटोरिस होता है, ये क्लाइटोरिस आपको पूछा जाएगा होमोलोगस टू विच मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, तो आपको याद रखना है इट इज इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन होता है और ये होमोलोगस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ, जो नेक्स्ट ऑर्गन है बच्चों तो वो है वेस्टिब्यूल। तो बिफोर लर्निंग टू वेस्टिब्यूल, हाँ आपको एक जरूरी बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अब तक जितने ऑर्गन्स हमने देखे हैं, देखो लेबिया मेजोरा बोला, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, अभी राइट नाउ हम पढ़ रहे हैं वेस्टिब्यूल। तो ये सभी ऑर्गन्स को अगर आप एक साथ कर दोगे तो एक पूरा यू कैन से कलेक्शन ऑफ दीज मेनी ऑर्गन टुगेदर कॉल्ड एज अ वल्वा,
या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया का जो वल्वा पोर्शन होता है, इट इज मेड अप ऑफ दीज मेनी ऑर्गन्स। तो वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते बच्चों, एक्चुअली वेस्टिब्यूल इज दी वर्टिकल डिप्रेशन व्हिच इज फाउंड इन बिटवीन टू लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा से गार्डेड होता है। और वेस्टिब्यूल एक्चुअली क्या होता है, ये डायग्राम जो आपने आपके सामने है, मैं इसे ही वेस्टिब्यूल में कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चों। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि ये लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा का अपर लोअर बॉर्डर जो मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है वो भी आपको बता दिया, लेकिन मैं अभी इसे वेस्टिब्यूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वेस्टिब्यूल बच्चों होता क्या है, एंटीरियर बॉर्डर होती है उसकी, एंटीरियर पॉइंट जो होता है उसका वो होता है क्लाइटोरिस, वेरी यू कैन से वेरी नेक्स्ट टू द क्लाइटोरिस वहां पे होता है ये है यूरेथ्रल ओपनिंग या इसे यूरेथ्रल ओरिफिस ऐसा भी कहा जाता है। दिस इज द पॉइंट वेयर ब्लैडर ओपन हो जाता है थ्रू द यूरेथ्रा, और जो भी यूरिन होती है दैट इज यू कैन से यूरिन बॉडी के इट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रल ओपनिंग। देन नेक्स्ट टू इट देयर इज अ वजाइनल ओपनिंग। तो ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है, ये वजाइनल ओपनिंग इट सर्व एज अ कॉपुलेटरी स्पेस एज वेल एज इट इज इट एक्ट एज अ बर्थ प्लेस या बर्थ कैनल जैसा काम करता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये जो वेस्टिब्यूल होता है, ये वेस्टिब्यूल दीज मेनी ऑर्गन के साथ एक जरूरी बात कैरी करता है और वो होता है हाइमेन। तो हाइमेन क्या होता है बच्चों, ये जो वजाइनल ओरिफिस होता है या वजाइनल ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग को वो एक्सक्लूड कर देता है, पार्शियली क्लोज कर देता है। और पार्शियली क्लोज करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखता है अभी यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, वेस्टिब्यूल इज द स्पेस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू टू थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स। तो कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे आते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको एनाटॉमिकली, आपको कौन से ऑर्गन की क्या इंपॉर्टेंस होती है बस इतना ही याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब तक जितने भी ऑर्गन्स मैंने पढ़ा दिए हैं वो लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, वेस्टिब्यूल, और अभी बता दिया मैंने हाइमेन। तो हाइमेन कहाँ पे होता है बच्चों, जो वेस्टिब्यूल होता है सॉरी जो वजनल ओरिफिस होता है या वजनल ओपनिंग होता है उसे पार्शियली क्लोज करने वाला एक थीन फाइब्रस टिश्यू का या म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन पार्शियली क्लोज कर देता है वजनल ओरिफिस को। और हाँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सिंस क्लाइटोरिस टू पॉर्चेट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, वेस्टिबुलर ग्लैंड। बच्चों वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होती है, या आप इसे कंपेयर करोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखी थी कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड जो थी उसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐसा भी एक निकनेम हमने दिया था। तो बच्चों ये जो बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड थी, उसका जो फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज डन बाय वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो क्वाइट ऑब्वियस है, जब जो वेस्टिब्यूल होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दिस डायग्राम इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो वेस्टिब्यूल जो होता है, ये वेस्टिब्यूल की पूरी लाइनिंग जो होती है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, इट इज रिचली सप्लाइड विद यू कैन से दिस वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है बच्चों, क्वाइट ऑब्वियस है, कोई भी ग्लैंड जो होता है उसका फंक्शन होता है सिक्रीशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल फॉर द लुब्रिकेशन पर्पज। यहाँ से एक स्टिकी सिक्रीशन सिक्रीट होता है। और हाँ, दूसरी जरूरी बात, ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है, दीज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स अलोंग विद वजनल जो भी ग्लैंड्स होती है, वजनल म्यूकस मेम्ब्रेन में जो भी ग्लैंड्स होती है, टुगेदर दे फॉर्म नॉर्मल वजनल सिक्रीशंस। तो कम टू द पॉइंट, ये था अबाउट वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर वेरी क्लोज टू द वजनल ओपनिंग, और उसका फंक्शन भी मैंने बता दिया, सिक्रीशन ऑफ लुब्रिकेटिंग सिक्रीशंस। तो नेक्स्ट जो ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनिटालिया में, जो हमारा ये एक्सटर्नल जेनिटालिया का लास्ट पार्ट है बच्चों, वो है ब्रेस्ट्स। तो ब्रेस्ट्स पर्टिकुलरली इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे ज्यादा आता है, तो जितने मैमल्स होते हैं ना बच्चों, ये मैमल्स में जो ब्रेस्ट्स होती है या मैमी होती है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो बेबीज होते हैं मैमल्स के, वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फीड नहीं करते हैं फॉर देयर फीडिंग एंड फॉर देयर उनका जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके लिए दे आर डिपेंड ऑन देयर मदर्स एंड मदर फीड देम थ्रू द मिल्क। तो ये जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, दीज आर नथिंग बट द ब्रेस्ट्स।
So what are the breasts? And as I told you, in case of human female reproductive system, वैसे ही आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 46 पर आप देख सकते हो, दे हैव गिवन यू डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट। तो इन शॉर्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक लैटरल सेक्शन है, लैटरल सेक्शन में आप देख सकते हो वहां पर रिब्स है, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल के ऊपर वहां पे दिया है पेक्टोरालिस मेजर, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है होती है, ये देखो ये मसल है पेक्टोरालिस मेजर। उसके बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इट इज रिचली सप्लाइड विथ, रिचली फिल्ड विथ फैट्स, जो हम एडिपोज टिश्यू में पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में जो एडिपोज टिश्यू पढ़ी थी वहां पे हमने पढ़ा था। उसके बाद सबसे जरूरी बात क्या होती है बच्चों, तो ये एक पेंडुलस राउंडेड स्ट्रक्चर है, पेक्टोरल रीजन में होता है वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड इज द फ्रंट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पेक्टोरल रीजन मतलब द चेस्ट रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो उसमें होता है पेंडुलस, मतलब दे आर समवॉट यू कैन से सस्पेंडेड फ्रॉम पेक्टोरल रीजन टुवर्ड्स द एब्डोमेन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, उसके एनाटॉमी में आपको दिखाई देता है बच्चों कि यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स का मतलब क्या होता है, यूजुअली अगर आप बायोलॉजी हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है कि कोई भी ऑर्गन, चाहे वो छोटी सी ग्लैंड क्यों ना हो, प्रोस्टेट जैसी या पिट्यूटरी हो, वॉट एवर इट मे बी, या ब्रेन हो, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर एज अ सिंगल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होता है, वो डिवाइडेड होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं लोब्स या लोब्यूल्स। तो यहाँ पे भी लोब्स मिलते हैं आपको, बहुत सारे लोब्स होते हैं, और एवरी लोब, इन ईच एंड एवरी लोब देयर आर अबाउट 15 to 20 जो मेमोरी एल्वियोलस होते हैं, या मेमोरी ग्लैंड्स बोल सकते हो आप। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स आप देख सकते हो, इन ईच लोब्यूल 15 टू 20 सच मेमोरी ग्लैंड्स आर देयर। हाँ, और अगर आप वही डायग्राम को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हो तो आपको समझ में आता है कि जो एम्प्यूल्स होते हैं, सॉरी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो मेमोरी ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू टुवर्ड्स द एंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेस्ट चली आती है, और वहां पे आके जो मेमोरी डक्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, और डायलेट हो जाने के बाद आई कैन शो यू इट इज लाइक दिस। तो ये समझो बच्चों मेमोरी ग्लैंड है, सिर्फ एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड दिखा रहा हूँ जो ब्रेस्ट में होती है। तो ये जो एम्प्यूला होता है, बच्चों ये एम्प्यूला ओपन होता है जो ब्रेस्ट का एंटीरियर मोस्ट पॉइंट होता है, जिसे कहा जाता है निप्पल, तो वहां पे ओपन होता है। तो एट अ टाइम ऐसे बहुत सारे जो एंट्रियल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, एंटीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द ब्रेस्ट जिसे हम निप्पल कहते हैं, वहां पे ओपन होते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द चाहे वो लोब्स हो, चाहे वो ग्लैंड्स हो, चाहे वो एम्प्यूला हो, वॉट एवर इट मे बी, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये सभी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दो हॉर्मोन्स के काम करते हैं। और वो दो हॉर्मोन्स कौन से हैं आप भी खोजिए, मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक बता देता हूँ। और वो दो जो हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन और दूसरा हॉर्मोन होता है, प्लीज आप खोजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, स्पून फीडिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, शायद आपने आंसर भी कर किया होगा, मैं मेरी तरफ से रिप्लाई दे देता हूँ, एक तो प्रोलैक्टिन है, दूसरा आपको प्लीज फाइंड आउट करना है, और यही लेक्चर के अलोंग विद दिस लेक्चर आपको वो खुद को एक्सप्लेन कर लेना है कि कौन से दो हॉर्मोन्स के अंडर ये सिक्रीशन ऑफ मिल्क का प्रोसेस होता है। तो बच्चों ये था अबाउट ब्रेस्ट, और ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था अबाउट एक्सटर्नल जेनिटालिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो साइमल्टेनियसली हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है इंटरनल जेनिटालिया। तो इंटरनल जेनिटालिया सबसे पहले मैं ऑर्गन्स एनलिस्ट कर देता हूं। तो इंटरनल जेनिटालिया में हमें पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है ओवरीज, उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन हमें पढ़ना है वो है यूट्रस, तीसरा जो ऑर्गन हमें पढ़ना है वो है फैलोपियन ट्यूब,
और एट द एंड हमें पढ़ना है वजाइना। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंटरनल जेनिटालिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट जो इनविजिबल होता है पेक्टोरल रीजन में, सॉरी पेल्विक रीजन में होता है और हिडन होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओवरीज से। तो बच्चों ओवरीज पर आप एक पूरा लेक्चर भी बोलोगे ना कि हमें डिस्कस करना है तो भी पॉसिबल है। तो ये जो ओवरीज होती है बच्चों, ये ओवरीज सबसे पहले तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। व्हाई दिस आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? प्राइमरी क्यों बोलते हैं ये मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। प्राइमरी इसके लिए बोला जाता है बच्चों कि दीज आर दी ऑर्गन्स व्हिच बेसिकली फॉर्म द गैमेट्स। तो जो ऑर्गन गैमेट फॉर्म कर दे, क्योंकि रिप्रोडक्शन तभी होता है जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं और गैमेट फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो गैमेट नहीं होगे तो रिप्रोडक्शन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे अगर कंपेयर करोगे आप ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मतलब टेस्टी से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे भी मैं दोनों पार्ट जैसे वहां पे लिया था वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे मॉर्फोलॉजी और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ ओवरी। तो बच्चों सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले तो ओवरीज होती कहाँ पर है, ओवरीज का लोकेशन क्या होता है। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकली पूछा जाए कि वेयर आर ओवरीज लोकेटेड, ओवरीज आर लोकेटेड इन अ पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमिनल जो रीजन होता है वहां पे ओवरीज सिचुएटेड होती है। दूसरी बात, जो ओवरीज होती है उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन मतलब उसकी जो भी लाइन, सॉरी जो भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, व्हाट एवर इट मे बी, इट इज 3 × 1.5 × 1। तो 3 × 1.5 × 1 सेंटीमीटर, ये हो गई बच्चों लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई थिकनेस। तो 3 सेंटीमीटर इतनी विड्थ होती है, उसके बाद जो 1.5 सेंटीमीटर होता है वो होती है उसकी ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर होती है उसकी थिकनेस। तो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये कैसे दिखता है, तो यूजुअली जो ओवरीज होती है ये ओवरीज ये डायमेंशन से आप कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है। इट इज ऑलमोस्ट आलमंड शेप, आलमंड जो होता है ना बादाम, तो उसके शेप का होता है, या इसे पियर शेप भी कहा जाता है। और कहीं कहीं पे तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज ओवरी शेप। तो ये पियर शेप या आलमंड शेप होता है। ये जो ओवरीज होती है, ये ओवरीज जो एब्डोमिन होता है, सॉरी जो इंटरनल बॉडी वॉल होती है। अब इंटरनल बॉडी वॉल को अगर आपको समझना है तो एक होता है बच्चों वेंट्रल वॉल और एक होता है डॉर्सल वॉल। तो डॉर्सल वॉल से कनेक्टेड होती है, ये जो ओवरीज डॉर्सल वॉल से कनेक्टेड होती है ना, तो वो जो डॉर्सल स्ट्रक्चर है जो जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, तो एक पेरिटोनियम उसे उसे होल्ड कर लेता है और वो जो डॉर्सल वॉल होती है उससे उसे पकड़ के रखता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है बच्चों मेसोवेरियम। मेसोवेरियम जो मेसोवेरियम होता है दैट होल्ड्स द ओवरीज इन अ प्रॉपर पोजीशन, उन्हें लोअर एब्डोमेन में या पेल्विस में एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखने का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है बच्चों, तो मेसोवेरियम करता है। मेसोवेरियम या उसे ओवेरियन लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसा भी कहा जाता है। क्या क्या है सिग्निफिकेंसेस मैं एक बार पढ़ लेता हूँ बच्चों। ओवरीज आर कनेक्टेड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। हाँ, ये हो गया मेसोवेरियम कनेक्ट ओवरी टू पेरिटोनियम या डॉर्सल बॉडी वॉल। अभी यहाँ पे समझो यूट्रस है, तो यूट्रस से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ओवेरियन लिगामेंट। सी दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। उसके बाद तीसरा और आखिरी जो है बच्चों वो होता है कि लैटरल बॉडी वॉल से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लैटरल बॉडी वॉल मतलब क्या, ये लैटरल साइड हो गई, यहाँ पे जो कनेक्शंस होता है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल पोजीशन, सॉरी लोअर एब्डोमेन में होती है, पेल्विक रीजन में होती है। तो वो तीन अलग अलग सर्फेसेस से, तीन अलग अलग कनेक्शंस के थ्रू पेल्विक रीजन में कनेक्टेड होती है। लेट इट बी ओवरी, थोड़ी देर मेरे हाथ को आप ओवरी समझ लीजिए,
तो ये जो है ये ओवरी है, तो ओवरी डॉर्सल बॉडी वॉल से कनेक्ट होने के लिए एक पेरिटोनियम का लाइनिंग होता है, उसे बोला जाता है मेसोवेरियम। लैटरल साइड से कनेक्टेड होने के लिए उसके पास होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, और वो यूट्रस से कनेक्ट होने के लिए उसके पास होता है ओवेरियन लिगामेंट। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो ओवरी होती है इसका फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों क्वाइट ऑब्वियस है, ओवरी का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज ओवम। तो ये ओवम या ओवा प्रोड्यूस करने का फंक्शन होता है ओवरी का। ये नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, हमें थोड़ा सा ओवरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेना है, और देन विल मूव टू एनाटॉमी ऑफ द ओवरी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा है बच्चों, ये जो ओवरीज होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होती है वो डिसेंट होती है, क्रिप्टरपिडिज्म वगैरह पढ़ा था, तो वैसे ही एक छोटा सा पार्ट आपको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ह्यूमन ओवर सॉरी फीमेल ओवरीज के बारे में याद रखना पड़ेगा, कि जो फीमेल ओवरीज होती है ना, ये जो ओवरीज होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये ऑलरेडी कुछ इवेंट्स या कुछ प्रोसेस करके आगे बढ़ गई होती है। तो बिफोर द बर्थ ऑफ दी फीमेल चाइल्ड, ये जो ओवरी होती है ना, इसमें कुछ चेंजेस ऑलरेडी होने लगते हैं। तो कौन से चेंजेस होने लगते हैं बच्चों? तो आपने 10th स्टैंडर्ड की बुक में शायद पढ़ा होगा कि ये जो ओवरी होती है ना, इवन एम्ब्रियोनिक फीमेल चाइल्ड में ये जो ओवरी होती है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें अराउंड 1 मिलियन इतने फॉलिकल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, फीमेल चाइल्ड के उसके मदर की वूम में जब वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, तब उसके पास होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन या 2 मिलियन प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। तो ये जो ऊगोनिया होती है ना बच्चों, ये ऊगोनिया तभी पूरी तरह से इमेच्योर्ड होती है क्योंकि वो चाइल्ड बर्थ ही नहीं हुआ है, और उसके बाद ये जो ऊगोनिया होती है ना, मतलब टोटली इमेच्योर्ड गैमेटिक सेल्स, तो ये जो सेल्स होती है ये एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो जो फीमेल चाइल्ड होती है वो जब पूरा एम्ब्रियो फिटस में डेवलप हो जाता है, एट दैट टाइम वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट होते वक्त अराउंड 6 मंथ्स बिफोर द चाइल्ड बर्थ, तो समझ लीजिए 3 महीने तक वो ऊगोनिया की कंडीशन में थी, और उसके बाद जो 6 मंथ बिफोर द चाइल्ड बर्थ होता है तब वो ऊगोनिया से कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी ओसाइट में, और प्राइमरी ओसाइट ये कंडीशन से जब वो चाइल्ड बर्थ हो जाता है, मतलब आफ्टर द चाइल्ड बर्थ टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो वो प्राइमरी ओसाइट की कंडीशन में रहते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब 11 to 15 के बिटवीन का जो एज ग्रुप होता है, एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स लाइक FSH एंड LH, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होने लगता है कि ये जो ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये प्राइमरी फॉलिकल्स अभी मैच्योर होने लगते हैं। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अराउंड 40,000 प्राइमरी फॉलिकल या प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स ओवरी में बचे हुए होते हैं। यहाँ पे मैं कौन सी चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ बच्चों, तो जब थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन था, थर्ड मंथ ऑफ यूट्रेन लाइफ था, तब थे अराउंड 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल, जिसे हमने कहा था ओगोनिया, एट द टाइम ऑफ यू कैन से 6 मंथ ऑफ जेस्टेशन या प्रेगनेंसी, तब वो हो गए थे अराउंड 1 मिलियन, और उनका नाम था प्रीमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी ओसाइट। उसके बाद जब वो प्यूबर्टी स्टेज तक आई तो तब थे वो सिर्फ 40,000, और हाँ सबसे जरूरी बात, ये 40,000 जो होते हैं ना, ये 40,000 उसमें से एट द टाइम ऑफ यू कैन से जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है किसी भी फीमेल का, वो ये 40,000 में से सिर्फ 416 जो एग्स होते हैं ना, यही यूटिलाइजेबल होते हैं या इतने ही यूटिलाइज होते हैं या इतने ही ओव्यूलेट होते हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखिए डीजेनरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओवरी में। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने जैसे आपने स्पर्म्स के बारे में पढ़ा होगा कि पर इजेकुलेशन फ्यू मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इजेक्ट होते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइजेशन